कैबिनेट सदस्यों को उद्धव ठाकरे ने धन्यवाद दिया। इसमें साहिल जोशी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लेकिन साहिल एक के बाद एक तीन शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव हिंदुत्व पर वापसी करने की कोशिश है, हिंदुत्व के मुद्दे पर घर वापसी की कोशिश है ये। आप धन्यवाद भी कह रहे हैं, जिन्होंने धोखा दिया उनका भी जिक्र कर रहे हैं, तो कई तरह के कार्ड एक साथ उद्धव ठाकरे इस कैबिनेट बैठक में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल संजय कोई खबर तो इशारा कीजिएगा। देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने अपने पत्ते बिल्कुल साफ तरीके से रख दिए हैं। एक तरफ उन्होंने जो हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि देखिए औरंगाबाद और धाराशिव का के पीछे और दीपा पाटिल जो नवी मुंबई के एयरपोर्ट को नाम दिया गया उसके पीछे का कारण राजनीति हमें समझनी चाहिए। शिवसेना के जितने विधायक वहां पर गए हुए हैं उनमें से ज्यादातर विधायक ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहां पर ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने वाला है, और दीपा पाटिल उस इलाके के एक बड़े नेता माने जाते थे। दूसरे सबसे ज्यादा विधायक औरंगाबाद जिले से गए हुए हैं जो महाराष्ट्र के मिडिल में, जिसका नाम संभाजीनगर हो इसकी मांग शिवसेना खुद ही कर रही थी, और यही विधायक कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। दूसरे विधायक गए हुए हैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से जिसका नाम धाराशिव किया गया है। अब इन मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध था लेकिन उसके बावजूद इस कैबिनेट में यह मंजूर किया गया है। जो मुद्दा बार बार ये रिबेल विधायक उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से हिंदुत्व का ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि जब एकनाथ शिंदे ने बागियों ने हिंदुत्व पर ललकारा तो शहरों का नाम बदलना याद आया। बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा है कि यह राजनीति है। यह भी पूछा जाएगा कि ये विधायकों को आज ही कैसे नाम आया। इसमें से 15 विधायक ऐसे हैं कि जो इससे पहले कांग्रेस एनसीपी में थे और कांग्रेस एनसीपी से 2019 या उसके थोड़े ही पहले शिवसेना में आए थे। क्या उसके पहले वो हिंदुत्ववादी नहीं थे और 2019 के बाद वो हिंदुत्ववादी बने? देखिए यह राजनीति है, राजनीति में राजनीतिक सवालों का जवाब राजनीति से दिया जाता है और उद्धव ठाकरे उसी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। जो मुद्दे उनके विधायक इतने दिनों से उठा रहे थे उसका अगर पहले से ही वो अगर निचोड़ निकाल लेते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आज अपने कैबिनेट के सामने उन्होंने यही बात रखने की कोशिश की कि हमारे ये सरकार पे जो संकट आया हुआ है वो उनके खुद के वजह से आया हुआ है, एक तरीके से मान लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे विधायक मेरे खिलाफ गए, उन्होंने बगावत की, इसके वजह से सरकार आज संकट में है। एक तरीके से हम जिसे कहते हैं ना आभार प्रदर्शन, उन्होंने आज अपने कैबिनेट के सामने किया है। साफ नजर आ रहा है कि कल जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा लगता है कि उद्धव ठाकरे येदियुरप्पा का मार्ग अपनाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहां जाकर अपने विधायकों के सामने बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए उनकी भाषा भी बदल गई है। परसों जो उन्होंने अपना एक रिलीज निकाला था, प्रेस रिलीज निकाला था, जो उनका स्टेटमेंट था, अब तक शिवसेना में शिवसेना सुप्रीमो, शिवसेना प्रमुख या फिर सरसेनापति, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं कुटुंब इस पूरे परिवार का प्रमुख के नाते आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप वापस आइए। देखिए भाषा भी बदलने की कोशिश हो रही है। संजय के पास खबर आ रही है, नीरज कॉल इस वक्त क्या कह रहे हैं, दलीलें क्या दे रहे हैं, आ रही साहिल संजय। नीरज किशन कॉल लगातार दलीलें दे रहे हैं और उन्होंने जो दलीलें दी हैं, हमारी सहयोगी अनिशा माथुर जो अंदर कार्रवाई सुन रही हैं, सुनवाई देख रही हैं, उन्होंने जो भेजा है उसमें चार पांच पॉइंट बड़े बड़े मेरे हिसाब से वो ये हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि स्पीकर के समक्ष लंबित मामलों से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता है और रुकना भी नहीं चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में फ्लोर टेस्ट कहने को कहा, और अब तक का इतिहास देखें तो कोर्ट ने कभी फ्लोर टेस्ट रोका नहीं, उल्टे प्रीपोन करने के बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को प्रीपोन कराया है उल्टे। और ये भी कहा है कि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कॉल ये कह रहे हैं कि संख्या नहीं लेकिन सत्ता पकड़े रहना चाहते हैं, क्यों नीरज कॉल ने ये कहा है संजय? लेकिन क्यों उनका ये कहना है कि संख्या नहीं है और राज्यपाल अपने राजभवन में फैसला नहीं कर सकते हैं, फैसला तो फ्लोर पर ही होगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्ता से हटना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए और इस तरह की जो अपीलें की जा रही हैं उसे रोकने के लिए या कुछ ऐसे फैसले ना किए जाएं उससे रोकने के लिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी फ्लोर टेस्ट हो जाए तो बढ़िया है। तो राज्यपाल ने अपने विवेक से 30 जून का समय तय किया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट चाहे तो इसमें जो फैसला ले, लेकिन अभी तक जो पुरानी मिसालें हैं उसमें कोर्ट ने 7 दिन 15 दिन का टाइम दिया फ्लोर टेस्ट को, उसे प्रीपोन किया है। और उन्होंने इस मामले में, मुझे भी याद आता है कि कर्नाटक के मामले में कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आप कराइए और शाम 5 बजे तक, सुबह तक सुनवाई यहीं पर चली थी और शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट हुआ था और जिसमें येदियुरप्पा जीते थे। संजय तो 30 कल ही है,
ऐसे में क्या त्वरित फैसला दोनों की दलीलों के बाद अभी तुरंत आ जाएगा कोर्ट की तरफ से? अभी मुझे हाँ अंतरिम आदेश आ सकता है। नीरज किशन कौल ने यह भी कहा कि आमतौर पर पार्टियां फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट तक दौड़ती हैं, लेकिन कोई और पार्टी को हाईजैक कर रहा है और उल्टी मांग की जा रही है कि वो फ्लोर टेस्ट कराना ही नहीं चाहते। लोकतंत्र की परीक्षा तो फ्लोर पर ही होती है, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट कराने से सरकार भाग क्यों रही है? अगर आपके पास बहुमत है तो आपको कॉन्फिडेंटली वहां जाना चाहिए, और बहुमत नहीं है तो आपको इस्तीफा त्याग पत्र देना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि चूंकि कल का ही समय है, अर्जेंट मामला है, अर्जेंट मामले के नाम पर इसकी सुनवाई रखी गई है। चूंकि सुबह मामला मेंशन किया गया था और कोर्ट ने कहा कि हम शाम 5 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे, 3 बजे तक आप अपनी पिटीशन की कॉपी सारे पक्षकारों को दे दें, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई अंतरिम आदेश तो कोर्ट को देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल वो राज्यपाल का आदेश लागू हो जाएगा। या तो कोर्ट उसे हाँ करे, या फिर उसमें कुछ सुधार के साथ कोर्ट उसमें समय बढ़ाए, या आगे क्या फैसला कोर्ट का रहता वो करना हो, लेकिन एक अंतरिम आदेश आज ही आएगा, नहीं तो फिर ये पिटीशन इन्फेक्चुअस हो जाएगी, बेअसर हो जाएगी। बिल्कुल साहिल, छोटा सा एक जल्दी से कमेंट इस पर दे दीजिए, क्योंकि राजनीति अलग अलग, हिंदुत्व किसका, असली शिवसेना कौन दूसरी बात है, लेकिन आंकड़ों के इस गेम में इस बात का एहसास है उद्धव सरकार को कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह एहसास तो उनको तभी से हो गया था कि जब यहां पर रोके जाने के बावजूद भी विधायक एक एक करके उनको छोड़कर गुवाहाटी जा रहे थे, सूरत से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर, और कभी कभी दो की संख्या में कभी कभी अकेले, लेकिन उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट तैयार थी और सूरत से उड़कर वो गुवाहाटी जा रहे थे। मैंने अब तक कम से कम 8 से 10 मंत्रियों से बात की है, कांग्रेस एनसीपी के मंत्रियों से भी बात की है, उन्हें पता चल चुका है कि सरकार नहीं टिकने वाली, नंबर उनके साथ में नहीं है। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि शिवसेना चाहती है कि जो ओरिजिनल शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी है वो उनके हाथ में रहे, अगर कल वो एकनाथ शिंदे के हाथ चली जाती है तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। हालांकि ये तो आगे अलग कानूनी लड़ाई होगी, लेकिन फिलहाल उनके तरफ से पूरी कोशिश ये की जाएगी एक कैडर को मैसेज देने के लिए कि देखिए मैंने पुरजोर कोशिश की, विधायक वापस आए, संभाजीनगर किया, 10 चीजें की, अपने आप को परिवार का प्रमुख कहा, लेकिन पार्टी उनको अपने हाथ में रखनी है, उसकी कोशिश यहां पर चल रही है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, आंकड़ों का गणित एमवीए के साथ में नहीं है, और इसी के वजह से सभी को यह मालूम है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उनके हारने पर उनको हारने से कोई नहीं रोक सकता।